इस कहानी के पीछे को तर्क अगर आप समझ गए तो आपका मन काबू में हो सकता है। पहली बार जब इस कहानी को मैंने पढ़ा तो मुझे इसका तर्क समझ नहीं आया, लेकिन इसका भाव प्रेरणादायी है। एक बार महात्मा बुद्ध किसी नगर से गुजर रहे थे। बुद्ध की नजर एक कपड़े के व्यापारी पर पड़ी जो दुखी और हताश दिखाई दे रहा था। बुद्ध चलकर उनके पास गए और पूछा कि हे भंते, तुम इतने उदास क्यों हो? अगर तुम मुझे अपनी चिंता का विषय बताओ तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। कपड़े के व्यापारी ने बुद्ध को प्रणाम किया और उनको अंदर बुलाया। उस व्यापारी ने कहा कि जब से मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है, तब से मेरे घर पर मेरे छोटे बेटे की देखभाल वाला कोई नहीं है, इसलिए मैं हमेशा इसको अपनी दुकान पर लेकर आ जाता हूँ। लेकिन मेरी दुकान पर आने वाले हर ग्राहक की पगड़ी को उछालकर फेंक देता है, कभी कभी उनका झोला उठाकर बाहर फेंक देता है। मैंने इसको बहुत समझाया डांटा, लेकिन यह नहीं समझा। इसकी इस हरकतों की वजह से मेरे सारे ग्राहक खुद को अपमानित मानकर वापस चले जाते हैं। बुद्ध बोले, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ, पर तुम मुख्य वचन दो कि मैं जो भी करूँगा तुम उसमें दखलंदाजी नहीं करोगे, ना ही कोई प्रश्न करोगे। व्यापारी बुद्ध को वचन दे देता है। अगले दिन बुद्ध एक पगड़ी पहनकर आए और एक ग्राहक की भांति आकर बैठ गए। व्यापारी का बेटा आया और बुद्ध की पगड़ी को उछाल दिया। महात्मा बुद्ध मुस्कराए और कहा, बहुत अच्छा, जाओ उस पगड़ी को वापस लेकर आओ। वह बच्चा दौड़कर गया और पगड़ी लाकर बुद्ध को दे दी। अगले दिन बुद्ध एक कुल्हाड़ी और एक लकड़ी लेकर आए। उस लड़के ने फिर से उस पगड़ी को उछाल दी। बुद्ध ने उस लड़के को कुल्हाड़ी और लकड़ी दे दी और कहा, जाओ इस लकड़ी को काटो। व्यापारी को थोड़ा सा डर लग रहा था कि कहीं उसके लड़के को चोट नहीं आ जाए, लेकिन उसको अपना वचन याद था। 7 दिन तक महात्मा बुद्ध कोई न कोई नया काम लेकर आते और उस लड़के से करवाते। शीघ्र ही वह लड़का भूल गया कि उसको किसी की पगड़ी उछालनी है। व्यापारी बहुत खुश हुआ और बुद्ध को धन्यवाद दिया। मुझे पता है कि इस कहानी का और मन के वश को कोई विशेष संबंध नहीं है, लेकिन पहले आप इस तर्क को समझ लीजिए। अगर हम अपने मन को अपने हिसाब से काम नहीं करवाएंगे तो मन अपने हिसाब से काम करेगा। मन वश में हो सकता है यदि मन को हम अपने अनुसार चलाएं। मन दो तरीकों से, एक, मन अपने हिसाब से काम कर सकता है, या दो, मन को हम अपने हिसाब से काम करवा सकते हैं। बुद्ध से मिलने से पहले उस लड़के का मन और दिमाग अपने हिसाब अनियंत्रित रूप से काम कर रहा था, लेकिन बुद्ध ने उस लड़के को अपने अनुसार काम करवाए जिससे उसकी आदत ही बदल गई।